दिया गया है। तेज प्रताप यादव करहल से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने इस बात की घोषणा की है, अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। और फिलहाल आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव को करहल से उम्मीदवार बनाया गया है। समाजवादी पार्टी की यह परंपरागत सीट रही है और इस पर कब्जा रहा एक लंबे समय तक। अखिलेश यादव यहां से विधायक थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई और अब इस पर तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो देखिए बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, और फिलहाल एक और प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले अयोध्या के मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा गया था और अब एक और सीट पर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने टिकट की घोषणा कर दी है। और आपको बता दें कि मैनपुरी की करहल सीट पर उपचुनाव होना है और यहां से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है और तेज प्रताप यादव को करहल से सपा ने उम्मीदवार घोषित किया है। तो देखिए मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव को यहां से उम्मीदवार घोषित किया है। तेज प्रताप सिंह यादव के नाम पर चर्चा पिछले दिनों से लगातार चल रही थी और इस दौरान सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा वो सुनिए जरा। बदले की भावना से सरकार की कार्रवाई है और श्री वो आ रहे हैं अपनी जमानत बचाने के लिए, जीतने के लिए थोड़े जा रहे हैं। जबकि उनका कहना ये है कि यहाँ तो पहले भी कहते थे, वो टेम्पल लड़ी जब कह रहे थे कमल खिलाएंगे और हमेशा कमल खिलाते रहे, लेकिन कमल यहाँ पता नहीं चलता कहाँ चला जाता, धूल दूसरे तो हो जाता तो फिर हो जाए। नदीम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, क्या तैयारियां समाजवादी पार्टी की दिख रही हैं, क्योंकि देखिए एक लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा है और अब उपचुनाव में क्या वहां पर स्थिति है? देखिए अगर स्थिति की बात की जाए तो करहल जो है वो एक समाजवादी पार्टी का एक पैतृक सीट मानी जाती है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने जो अपनी राजनीति की शुरुआत की थी वो करहल से की थी और करहल को सीट जीतने के बाद में चाहे वो उन्होंने अपने पुत्र को दी हो या अपने भतीजे को दी हो या अपने बेटे को दी हो, तो इस बात से बिल्कुल इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि समाजवादी का कर्ज जो था वो करहल था, क्योंकि एक लंबे समय से एक समाजवादी पार्टी का वहां कब्जा रहा और जो आज करहल में जो विकास जो डेवलपमेंट का दिखता है वो समाजवादी की देन है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आए दिन करहल विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रदेश के नेता हो या केंद्र के नेता हो, मिनिस्टर हो, आए दिन लोगों की जनता के बीच जा रहे हैं, करहल के लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। अब इस बातों का कितना असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जो तेज प्रताप यादव की जो नाम की घोषणा की है, हालांकि तेज प्रताप यादव का नाम काफी लंबे समय से चल रहा था, कल जो एक दिवाकर सम्मेलन हुआ है उसमें जो प्रोफेसर रामगोपाल ने तेज प्रताप यादव के नाम की जो घोषणा की है उस बात को लेकर और जो दल है और जो पार्टियां उनमें अपने आप में एक हलचल सी मची हुई है और चहल पहल बहुत तेज है, क्योंकि अभी और किसी पार्टी के प्रत्याशी ने भी अपने नाम की घोषणा नहीं की है। हालांकि करहल के उपचुनाव में सभी पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारेंगी, अब ये देखने की बात होगी कि कौन पार्टी अपनी जमानत बचा पाए या कौन पार्टी अपना जो है सेहरा इस चुनाव के उपचुनाव का सेहरा सजा सके अपने ऊपर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नदीम आपका। और